पिछले 15 साल का कचरा है सर। इस 15 साल के कचरे को जो सजा के रखा हुआ है आपने सर, इसको डिस्पोजल के लिए कब से कार्रवाई शुरू हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लेके आई सर, लेगेसी वेस्ट। आप हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट डालते हो। आर यू वेटिंग फॉर मी टू रिटायर एंड देन प्रोसीड द वे यू वांट टू प्रोसीड? हर चीज के लिए सरकार के पास जाते हो, पैसा दो, ये जो कलेक्शन करते हो उसका क्या करते हो? सर म्युनिसिपल फंड के अभी अवेलेबिलिटी इतनी है कि हम लोग, हाँ तो आप जो टैक्स रियलाइजेशन करते हो कि कहाँ इसका पैसा क्या करते हो? टैक्स का पैसा जो आता है सर पूरा म्युनिसिपल, और आपके ऊपर एक बजट एलोकेशन सरकार भी करती है हर साल सर, जो क्या सिर्फ तनख्वाही के लिए करती है? क्या कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हाथ खड़े कर दो, सब हम नहीं कर पाएंगे। देखिए हमको यहाँ वहाँ घुमाओ नहीं, जिस काम के लिए मैडम ने पिछले 3-4 पेशियों में कहा कि सब 2 करोड़ रुपये के लिए लिख दिया है वो मिलने वाला है। आवाज़ ये कह रही है सरकार ने कह दिया कि वो काम तुम्हारा नहीं है, तुम तो केवल बिल्डिंग पेंट वेंट करो, लाइट वाइट फसाद लाइट लगाओ, चमका के आ जाओ फेशियल करके, बाकी जो ये कचरा उछड़ा वाला काम है दिस इज नॉट फॉर स्मार्ट पीपल। दिस मैन दीज टू जॉनीज वुड बी इन ट्रबल, आई एम टेलिंग यू। यस भदौरिया, डू यू ओन द कॉरपोरेशन? आर यू द ओनर? तुम कॉरपोरेशन के मालिक हो क्या? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्वालियर के तुम मालिक हो, डिप्टी कमिश्नर हो तुम, सब तुम्हारी पर्सनल नॉलेज के आधार पर है जो लिखा है तुमने इसके ऊपर, तो मतलब तुम सबकी सब जानकारी तुम्हारी पर्सनल नॉलेज में है, रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। अब तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसी कानून में समझना पड़ेगा कि तुम ये सब तुम लोग कर जो रहे हो ये सब किसके कहने से कर रहे हो तुम लोग? एक दयाराम है क्या, नहीं विजय राज है, और दूसरे तुम हो, दोनों कॉरपोरेशन के ही लोग हो तुम, एक एडिशनल कमिश्नर है डिप्टी कमिश्नर है, ये क्या खुराफात चल रही है बताओ हमको दोनों लोग? इस पे क्या कहा है तुमने मिस्टर गुप्ता? व्हाट यू वांट टू पॉइंट आउट? देन वाला पैरा 3 पैरा 3 ऑफ दिस वेरी अफिडेविट, हां दी एफ फॉर सेट फैक्ट और रिप्लाई हैव बीन रेड ओवर टू मी आफ्टर ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। ऑलराइट, व्हाट देन अकॉर्डिंगली आई हैव फुल्ली अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द फैक्ट्स नरेटेड देयर। नो नो, ऑन कंटेंट्स व्हाट यू वांट टू से? कंटेंट्स मतलब इन दिस डिसीजन रिप्लाई द डंप क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, दिस इज विद रेफरेंस टू सॉलिड वेस्ट प्लान। नाउ लास्ट टाइम Mr. Khod had informed us that already there are 2 plants installed. Mr. Harsh Singh, there are 2 plants installed. Sir. Now, what is the yield of those two plants? Sir, we have filed in the reply, sir. They are processing. जो सवाल पूछे जवाब दो, हिंदी में अंग्रेजी में जवाब दो। मैंने सब बता दिया रिप्लाई में, तो हम पढ़ ही लेंगे रिप्लाई। जो सामने रिप्लाई फिर डेबिट आ रहा है, सामने दिख रहे हैं क्या है सर। अब आप मुझे ये बताइए, जो प्लांट जो लगे हैं आपके, उन दोनों प्लांट्स में आपने कितना आपका आउटपुट है उसका? 4,000 टन पर डे। 4,000 टन पर डे, कितना बैकलॉग है? सर बैकलॉग 6 लाख टन पर डे। ये 2 मशीन से कितने दिन में काम हो पाएगा? सर इससे 150 दिन में काम हो जाएगा। 6 लाख टन निकाल दोगे? सर हमने ऑलरेडी कुछ कर दिया, बाकी सब कर दिया। 6 लाख टन कचरा जो पड़ा है पिछले कितने सालों का है वो? सर जो 6 लाख टन है वो पिछले 15 सालों का है सर। और रोज कितना टन इकट्ठा कचरा इकट्ठा हो रहा है? 450 टन सर। हाँ तो जो रोज इकट्ठा हो रहा है और जो 6 लाख मीट्रिक टन कचरा इकट्ठा है, इन दोनों को तुम 150 में निकाल दोगे? सर दैट आई वांट टू प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट सर। सर उसमें 2 चीज़ें हैं सर, जो पुराना जो इकट्ठा है सर उसके लिए जो मशीन लगी है वो 4,000 टन पर डे का प्रोसेसिंग करके निकाल देती है। जो रोज कचरा इकट्ठा होता है उसके पास, हमारे पास उसके लिए एक प्लांट है सर, वो अलग प्लांट है, उसमें गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों के लिए हमने प्लांट करी 500 TPD टन पर डे का एक प्लांट है सर। तो हमारे पास जो सर डेली आता है सूखा जो कचरा आता है सर उसके लिए शॉर्टेज पड़ रही है, गीला के लिए हमारे पास सैंपल है, रोज हम उसको प्रोसेस करके खाद बना देते हैं, वो चल रहा है प्रोसेस। जो सूखा कचरा तो जो खाद बनाते हो सर, वो खाद कहाँ ले जाते हो? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टेंडर है सर, वो टेंडर से व्यक्ति ले आता है, उसको पैसा पे करता है वो टेंडर है। तो गीला कचरा के लिए बारे में हमारे पास सफिशिएंट है, हमारा कुछ नहीं कलेक्ट नहीं हो रहा। तो मतलब वहाँ पे अभी जितना भी हीप ऑफ कचरा है सर, वो सब सूखा कचरा है? सूखा कचरा है सर, जो पॉलीथिन है सब चीज़ इनर्ट है सब चीज़। अब सर सूखे कचरे के लिए हमारे पास जो 450 टन में से सर जो सूखा कचरा आता है उसके लिए हमारे पास प्लांट जो लगा है सर, वो जो 150 TPD का प्लांट लगा है वो सफिशिएंट नहीं है सूखे कचरे के लिए सर, सफिशिएंट नहीं है। और उसके लिए हमने सर जो इंस्ट्रक्शन थे उसके लिए हमने एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल होता है कि आपको अगर एडिशनल प्लांट चाहिए उसके लिए आपकी पूरे डिटेल देके हमने उसके लिए अप्लाई कर दिया सर, वो पिछले हियरिंग में भी। आप यहाँ कितने साल से हैं सर? अभी 8 महीने से। आप पहले जो साहबान थे सर, उन्होंने कोई कार्रवाई करी इसके बारे में? सर ये प्रोजेक्ट जो था सर, ये पिछले 15 साल का कचरा है सर, इस 15 साल के कचरे को जो सजा के रखा हुआ है आपने सर, इसको डिस्पोजल के लिए कब से कार्रवाई शुरू हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लेके आई सर, लेगेसी वेस्ट। आप हर चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट डालते हो सर, और फिर वहाँ पे कुछ भी प्रकार की दरखास्त लगाते हो, वहाँ से जवाब आता है कि साहब जैसे फॉर इंस्टेंस आपने ट्रंक लाइन के लिए दरखास्त लगा दी वहाँ पे, जबकि वहाँ से ट्रंक लाइन का पैसा आना ही नहीं था, वहाँ से केवल STP का पैसा आना था, आपने 4 महीने निकाल दिए उसमें। ये आखिर हो क्या रहा है? हम लोग ये मसले को क्यों उठाए हुए हैं? आर यू वेटिंग फॉर मी टू रिटायर एंड देन प्रोसीड द वे यू वांट टू प्रोसीड? Why are you doing all this? 15 साल से आज तक इस बारे में किसी ने सोचा ही नहीं।
आठ महीने से आप आए हो, अब आप हमसे बोल रहे हो कि अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे सूखा कचरा रिसाइकिल करने के लिए पैसा दिया जाए। ऑलरेडी अप्लाइड है सर, हमने दो महीने पहले अप्लाई कर दिया सर। मैं यही, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये पाइलिंग ऑफ कचरा फॉर लास्ट 15 ईयर्स, जिसके लिए किसी ने कोई भी तवज्जो नहीं दी, कोई एक्शन नहीं लिया। आफ्टर ऑल तो इतना पैसा पब्लिक से कलेक्ट करते हो टैक्स के फॉर्म पे, इसलिए करते हो भाई, इसीलिए कि कचरा उठाया और कचरा डंप कर दिया। अब आप दो महीने पहले आप बोलते हो मैंने सरकार को लिखा हुआ है, ये तो आपको म्यूनिसिपल फंड से ही निकालना चाहिए पैसा। हर चीज़ के लिए सरकार के पास जाते हो, पैसा दो, ये जो कलेक्शन करते हो उसका क्या करते हो? सर म्यूनिसिपल फंड के अभी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है कि हम लोग। हाँ तो आप जो टैक्स रियलाइजेशन करते हो ये कहाँ, इसका पैसा क्या करते हो तुम लोग? टैक्स का पैसा जो आता है सर पूरा म्यूनिसिपल। और आपको पर एक बजट एलोकेशन सरकार भी करती है हर साल सर, जो क्या सिर्फ तनख्वाह के लिए करती है क्या? नहीं सर, उसके लिए जो बजट पास होता है सर, जैसे बजट। आप मुझे बताइए, आप तो कमिश्नर हैं, आज की तारीख में बजट में कितना एलोकेशन है कचरा साफ करने के लिए? सर अभी जो बजट पेश हुआ है सर कल के, उसमें हुआ है सर नगर निगम ग्वालियर का पूरा बजट महापौर ने पेश किया है सर, तो वो पूरा बजट है 2700 करोड़ का सर, उसमें हर हेड मतलब हर कंस्ट्रक्शन से लेकर। मुझे आप इतना बता दीजिए, राज्य सरकार ने आपको कचरा के हेड में कभी मांगा पैसा आपने और कितना दिया आपको? बिल्कुल मांगते हैं सर हम लोग, और हमेशा देते हैं राज्य सरकार। तो उस पैसे का क्या किया आपने सर? अलग अलग टाइम पे जैसे हमने गाड़ी खरीदी सर, गाड़ी जो कचरा डोर टू डोर हमने चाहिए, हम जानना चाहते हैं जो आपका 15 साल से कचरा इकट्ठा है उसके डिस्पोजल के लिए गवर्नमेंट कितना पैसा दिया आपको? सर वो 32 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है, पिछले साल ही सेंक्शन हुआ है सर। उसके पहले क्या हुआ है? उसके पहले सर सैनिटरी लैंड, उसके पहले लैंडफिल साइट का ही कॉन्सेप्ट था शहरों में, उसके बाद जब गवर्नमेंट ने देखा कि अब इसको ज्यादा कचरा। लैंडफिल मतलब ये कि आप शहर के बाहर एक जगह कहीं एक डंप करते रहो, उसमें चील कौवे घूमते रहे उसके ऊपर, उसके बाद बाउंड्री बना के सब था सर हमने किया। क्या है, आप वहाँ पे देर बिग क्रेटर सर, बिल्कुल जहाँ पे आप कचरा इकट्ठा करते हो वहाँ पे गड्ढा है बड़े, वहाँ पहले माइनिंग होती थी सर, व्हाई डोंट यू यूज दैट एरिया टू डंप इट? क्यों नहीं करते हो? वहीं है सर, वहीं पे केदारपुर में जो हमारी साइट है सर। आप में ये बताइए मेरे को, जितना कचरा आपका 15 साल का इकट्ठा है उस कचड़े को आप सेग्रीगेट करके उस क्रेटर में डालते क्यों नहीं हो जो माइनिंग से खाली पड़ा हुआ है? वही है सर, ये जो प्लांट है वही करते हैं सर। ये प्लांट जो अभी लगाया है सर, ये कचरे को 10% में ला देगा, 10% का है, और जो 10% है जो कुछ नहीं हो सकता उसको वहाँ क्रेटर में डाले, यही है सर पूरा प्रोजेक्ट ही है। तो ये प्रोजेक्ट कब चालू हुआ सर? ये प्रोजेक्ट आया सर, इसका हमें फंडिंग मिली थी पिछले साल 2023 में सर अप्रैल के, मतलब हमें सेंक्शन मिली थी 23 में सर अप्रैल के आसपास, और ये प्रोजेक्ट कमीशन हो गया है चालू। कितना कैपेसिटी है इसका सर? 4000 टन पर डे का है सर। कितना दिन लगेगा इसको? इसको 150 दिन में वेंडर है इन्फॉर्म सर, और हमारी प्रोजेक्ट चली 150 दिन में कर देंगे सर। दूसरा जो 150 दिन में 15 साल कचरा निकल जाएगा सर, वही मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूँ सर। रोज का भी हो गया सर 15 साल वाला 400, देखो लेट्स वर्क इट आउट, 450 मीट्रिक टन रोज इकट्ठा हो रहा है, मीट्रिक टन है ना? हाँ। और जो 15 साल का कचरा है सर, वो 6 लाख मीट्रिक टन है सर, 6 लाख मीट्रिक टन प्लस 450 मीट्रिक टन पर डे सर। उस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है सर? उसकी जो पूरा लेगेसी वेस्ट का अलग प्लांट है सर, जो पुराना कचरा इकट्ठा हुआ 4000 टन पर डे, जो हमारा रोज कचरा है उसके लिए हमारा अलग प्लांट है सर। तो रोज का जो कचरा आता है सर उसकी हमारी कैपेसिटी करीब गीला सूखा मिला के 500 टन है सर, जो हमारी कचरा आता है। आप मुझे इतना बता दिए, लेट्स नॉट प्लीज डोंट कंफ्यूज अस, आपके पास कितनी मशीन्स हैं उस कचरा पॉइंट पे? सर हमारे पास जो लेगेसी वेस्ट के पुराना वेस्ट है जिसको लेगेसी वेस्ट कहते हैं सर, उसके लिए हमारे पास 4 ट्रॉमर लगे हैं 1000 टन के, तो टोटल उसकी कैपेसिटी 4000 टन सर। 4000 मीट्रिक टन पर डे और 4000 टन 4000 टन सर पर डे, पीपीडी टन पर डे, नॉट मीट्रिक टन सर। 4000 टन सूखा कचरा सर, उसको आप क्या करोगे सर? उसका करते हो प्रोसेस है सर उसका पूरा, पहले बायो पहले उसको बैक्टीरिया डाल के बायो रेमेडिएशन करके उसमें जो गैस है वो निकलती है सर, तो कचरा के जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी 60-70% पे आ जाता है अभी जो है, उससे 50% के आसपास आ जाता है। फिर उससे एक एक चीज़ निकालते हैं सर, जैसे इनर्ट अलग निकालेंगे, जो चीज़ें दे सकते हैं अलग कंपनी को, जैसे पॉलिथिन निकाल वो अलग निकालेंगे। तो ये सब प्रोसेसिंग करने में कितना टाइम लगता है? ये रोज यही 4000 टन पर डे निकाल देता है सर कचरा, साफ कर देता है। तो 4000 टन कचरे में कितना कचरा बचता है सर? 10% बस, और बाकी सर अलग कंपनी जैसे वो वेंडर के। तो अब ये दो मशीनें आपको 4000 टन पर डे काम कर रही हैं? चार मशीनें सर। एक मशीन 4000 टन, एक हज़ार टन है सर, तो 4 मशीन, तो 4000 टन हो गया सर। और कचरा इकट्ठा है 6 लाख मीट्रिक टन सर। इसी के बारे में एक मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा सर, हमने एफिडेविट में फाइल किया है कि ये स्कोप जब ये इसके बारे में पूरी स्टडी हुई थी, ड्रोन से स्टडी हुई थी कि कचरा कितना इकट्ठा है सर, जब कोर्ट के डायरेक्शन हुए तो हम लोगों ने फिर से स्टडी की, तो सर उसमें जो 6000 लाख टन की स्टडी का हमें प्रोजेक्ट है, जब स्टडी हमें दोबारा की ये करके तो और कचरा इकट्ठा होकर करीब अब जो कचरा है सर इकट्ठा है 9 लाख टन करीब हो गया। एक काम करो सर, ऐसा है कि कुछ दो चार ऐसे ब्रेनी लोगों को इकट्ठा करो हिंदुस्तान के, फिर एक सेमिनार करवाओ यहाँ पर कि साहब वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्वालियर जो है सेमिनार कर रहा है कि 9 लाख मीट्रिक टन कचरा कैसे हैंडल किया जाए, तो उसमें एक बुद्धिजीवी आएंगे जो आपको ज्ञान देंगे, फिर वहाँ पर सेमिनार होगा, फिर फंक्शन वंक्शन करके उसको फिर पेपर में छपवाओ कि साहब 9 लाख मीट्रिक टन कचरा को निकालने के लिए हमने ऑल इंडिया से एक्सपर्ट्स का एक सेमिनार करवाया और सेमिनार में ये डेलीब्रेशन हुए हैं, छपवाओ अखबारों में और फिर उसके लिए एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी में लिखो कि साहब डेलीब्रेशन में ये बातें हो गई हैं
अब काफ़ी सीरियस मैटर है, तो इसके लिए एक एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई जाए, फिर वो एक्सपर्ट्स कमेटी बनेगी, फिर उसके बाद वो सरकार के पास प्रपोजल जाएगा, और फिर आप कहोगे साहब ये प्रपोजल गया हुआ है, फिर आएगा तुम बताएंगे, फिर चार साल बाद फिर एक सेमिनार बुलाओ, तो ये साइकिल तुम्हारा चलता रहे और इसका अंत कभी नहीं होगा। वो 9 लाख, अभी तुमने 6 लाख मीट्रिक टन कहा, वो 9 लाख मीट्रिक टन हो गया, अब आते आते ना कहो ये 15 लाख मीट्रिक टन हो जाए, इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं सर। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? सर जो कचरा हमारा जो जा रहा है सर, रोज का कचरा है, अभी तो आप बोले 6 लाख ही था, अभी 3 लाख मीट्रिक टन बढ़ गया आपका कचरा, अभी 15 दिन में बढ़ गया इतना कचरा। वो जो सर ये इसका मतलब ये हुआ कि कचरा को साफ करने की जो मंशा है उसमें इतनी ज़्यादा हमको तीव्रता दिखती नहीं है, साइंटिफिक एनालिसिस की बात हो रही है और उसको हम लोग को ज्ञान दे रहे हो आप, हमें तो एक्चुअल आउटपुट चाहिए साइट पे सर। मैं इस सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप मशीनें नहीं हैं तो आप मशीनें और लीजिए, हम सरकार को बोले आपको मशीनें दिलवाए, लेकिन ये कहना ये मशीनें बहुत हैं हमारे पास में और मैं काम कर लूँगा इससे, तो फिर जिम्मेदारी आपकी है भाई। इनका 4000 टन का रोज का इनका आउटपुट है और 9 लाख मीट्रिक टन है, अब इसको डिवाइड करो 6 लाख मीट्रिक टन को 4000 टन से, कितने दिन में आगे बताओ, लिख के बताओ सर। 1 महीने में फिर, अरे भाई पढ़ बना लो ना, तुम तो आईएएस ऑफिसर हो सर, खटाखट बना के बताओ सर। एक फिर अब 9 लाख हो गया, अब 9 लाख देखो 4000 मीट्रिक टन एक दिन में तो 6 लाख 4 लाख 4000 टन, तो 1 महीने और एक चार नहीं नहीं अब ऐसे देखो ना, अब 6 लाख मीट्रिक टन कितने दिनों में, तो 6 लाख मीट्रिक टन डिवाइडेड बाई 4000 टन। कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, 225 डेज हो गया, तो इतना हम लिखवा देते हैं कि 225 दिन में 9 लाख मीट्रिक टन कचरा वो कौन सा लिंक रोड है केदारपुर से साफ हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट है एट द बार। इसमें एक सबमिशन है सर। हाँ, अब इसमें क्या है किंतु परंतु सर, हम आप रिकॉर्ड करेंगे आज, इसीलिए सबमिशन है। हाँ सर, ये जो टेंडर है सर, ये जो जब किया गया था सर टेंडर, तो ये 6 लाख मीट्रिक टन है, ये 150 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, इसकी ये चल रहा काम ये हो जाएगा, उससे पहले भी कर लेंगे हम लोग जो मार्किंग कर रहे हैं। अब जो सर एक्स्ट्रा जो जिसका असेसमेंट कभी किया ही नहीं गया था सर, जो किया गया कोर्ट प्रोडक्शन में, उसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिख दिया सर, वहीं जो जो हमें उसमें एडिशनल फंड रिक्वायर्ड है। देखो बस यही कहानी मेरे को पसंद नहीं आती, वो अभी हमारे पास कोई ये लिखा पढ़ी वाली जो कागजी घोड़े दौड़ाते हो सर, ये हमारा नहीं चलेगा। एज अ कमिश्नर यू कम आउट विद क्लियर स्टेटमेंट, हम रिकॉर्ड करेंगे कि हम इतने दिन में, क्योंकि आप बोल रहे हो कि हमारे पास पर्याप्त मशीनें हैं, अब अगर पर्याप्त मशीनें हैं तो मुझे बता लिख के दो कि साहब मैं इतने दिन में जितना कचरा इकट्ठा है, मैं चाहे 3 महीना कहो, 4 महीना कहो, 6 महीना कहो, लेकिन कम आउट विद ए क्लियर स्टेटमेंट कि सर मैं मशीनें हमारे पास ये लगी हुई हैं, मैं सारी मशीनों को इंश्योर करता हूँ कि वहाँ से कचरा इतने समय में पूरा साफ हो जाएगा और वो बगीचा बन जाएगा। क्योंकि आपने ये कह दिया है कि साहब मुझे सरकार की मशीनों की जरूरत नहीं है, मेरे पास मशीनें सक्षम हैं, जैसे मशीनें पर्याप्त हैं और आपका स्टाफ सक्षम है तो समय समय बताओ। सर मैंने जो एफिडेविट दिया था उसमें यही लिखा है कि जो एक्स्ट्रा है सर, जो एक्स्ट्रा के लिए कभी असेसमेंट नहीं किया गया था, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कुछ उसके मदद की जरूरत है। आप बताइए क्या चाहिए वही, वही, वही मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे, आप दोनों तरफ मत चलो सर, स्ट्रेट बोलो सर कि साहब इतना कचरे के लिए इतनी मशीन मेरे पास है, इतना कचरा मुझे करने के लिए इतनी मशीन और चाहिए, आप बताइए, हम सरकार से कहेंगे कि सरकार पैसा, ये तो पब्लिक की सिविक कम्युनिटीज़ की चीज़ें हैं और हमें पूरी उम्मीद का विश्वास है कि पब्लिक की सिविक कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए सरकार आपको सब कुछ देगी। रघुवंशी जी यहाँ पे खड़े हैं हमारे पास सामने एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, हमें लास्ट टाइम भी जब कहा आपसे नहीं तभी कहा सफिशिएंट है भाई, व्हाई डोंट यू, व्हाई आर यू नॉट क्लियर सर, मुझे इतना पैसा चाहिए सर। वी हैव रिटर्न सर हमने बना लिया 32 करोड़ हमें, और सरकार से जो भी लेना है सर वो सबमिट कर दिया है, वी हैव सबमिटेड सर वो डायरेक्शन। 32 करोड़ कौन सा एफिडेविट है आपका सर? आईएम हमने कंप्लाइंस में दिया। और मिस्टर रघुवंशी, आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग, प्लीज डू नॉट टेक दीज ऑफिसर्स एज वाईसीज फॉर योर गवर्नमेंट रिप्लाइज, दे आर पार्टी देमसेल्व्स, लेट अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर फ्रॉम भोपाल स्वर एन एफिडेविट, वन डिपार्टमेंट और वन लोकल बॉडी इज इन्वॉल्वड इन द, दिस इज नॉट फेयर, दैट डिप्टी कमिश्नर, दैट एडिशनल कमिश्नर नोज नथिंग, प्लीज डोंट, आई मीन सी आवर एंग्विश इज that you have not taken it on a serious note. After why are we spending so much of time for this? Is it for us? It's for public at large. A lot is doing the... Our anxiety is only to ensure that the residents of Gwalior should have a clean environment. Yes, that's good. Why they should not be given? If they are paying taxes,
they should get the facility. Why only Indore should have this benefit? Why should only Bhopal have this benefit? Why not Gwalior? Why not Jabalpur? Why not any other city of the state? Those cities have come up to such a level where as a trenching ground they have a garden. And we are still fighting to ensure that how we can remove this 9 lakh metric tons of garbage heap standing there for last 1.5 decades. Somewhere somebody has to take the call. But for our intervention, look at this gentleman, Mr. Harsh Singh is saying, it's only in the last 2 months he has started writing to the department. Nobody cared about it. So the policy hai hamari. Kya policy hai? Ki kachra shahar se ikattha karo aur shahar ke bahar heap kar do. Aur agar heap karna hai to wahan pe jab crater bana hua hai, pehle mining hota tha wahan pe, aaj gaddha bana hua hai, to aap wahan pe usko kyun nahi dump kar sakte the? Kiran, aaj kal to mining band nahi hai na. Kai saalon se mining band hai wahan par. क्यों इकट्ठा करके रखा वहाँ पे, उसको निकाल के वहाँ पे लेवल कर देना चाहिए था उसको। आज की तारीख में तो एक वो कल्टीवेटेड ग्राउंड बन जाता वो, सॉरी अच्छा वो खाद बन जाता वो। केदारपुर में नहीं, दे हैव प्लेस वेयर दे कैन डंप इट एंड मेक इट अ ग्राउंड। ऐसा रिक्वेस्ट है सर, हमने ऐसा किया, बर्रा लाइट पूरा पार्क बना हुआ है सर। बड़ा अच्छा किया आपने, वो जो कर रहे वो भी दिख रहा है, क्या करें चेंज ऑफ An independent officer will be made the YC. This man, these two Johnnies would be in trouble. No, I'm telling you. After all, if we want a reply from the government, that what have you done on the expert's report? Please give us a serious reply on this, that these are the issues which are required to be further deliberated on technical side, because we have already appointed technical committee which has examined this matter. These are the points to be again addressed, and thereafter we will make it over to the government on financial side for its approval. This one-line statement by the Johnny of Deputy Commissioner or Additional Commissioner says that 3 weeks time is required. And on telephone he has received the instructions. Look at this casualness. Yes. Working in that हमें क्या है मतलब, ये कोई तरीका है हाई कोर्ट में हलफनामा देने का? In fact, the officer working there, it has to be appointed as well. Not only that, he has to be given proper instructions. Yes. इसका मतलब ये हुआ कुछ नहीं किया आप लोगों ने। मुझे कहने में तकलीफ भी होती है, लेकिन जिस प्रकार की कैजुअलनेस है उसको देख के अभी वी रेली फील एंग्विश्ड। आप हाई कोर्ट में हालत ना, आई हैव फुल डाउट्स। हम जितनी भी डिटेल ऑर्डर शीट्स लिखते हैं शायद ही कोई गवर्नमेंट तक पहुँचती हो, अगर पहुँचती है तो उसको कोई पढ़ता नहीं होगा। हम लोग यहाँ बैठ कर क्या रहे कि हर पेशी में 1.5-2 घंटा लगाओ और फिर इस प्रकार के हलफनामे लो, ये तो कह दो लिख करके कि साहब हमारे बस का नहीं है, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे इसको, तो फिर जो हमें करना होगा हम करेंगे अपने हिसाब से, हम भी बंद कर देंगे इसको भाई, सरकार भी और कॉरपोरेशन दोनों सक्षम नहीं है इसलिए हम इसको बंद करते हैं। कह दो दे जब फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब ऐसा नहीं मिल सकता हमारे पास, लेकिन हमको डोंट टेक अस फॉर अ राइड ऑल ऑफ यू, इफ यू कैन डोंट ट्राई टू ओनली आर्ग्यू बिफोर अस, we are not here to listen to the arguments, we are in this case particularly, we want action. Kar sakte ho to karo, nahi kar sakte ho haath khade kar do, sab hum nahi kar payenge, lekin humko yahan wahan ghumao nahi. Aap mujhe specific dijiye जो आप कौन सा पेज आप रेफर कर रहे हैं सर? पेज नंबर 21 में हमने अप्लाई कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लायंस, ये कल्चर जो है ना हमें अप्लाई कर दिया था। आई गेट इरिटेटेड, मुझे बताओ तुम्हारे पास जो हाथ में है तुम उसको लेके क्या कर सकते हो? कहा तुम्हारा एफिडेविट कौन सा आइए बहुत सा दिखाना, कौन सा एफिडेविट इनका? हाँ आप यू गो बैक टू योर ऑफिस मिस्टर हर्ष सिंह, आप अपने ऑफिस जाइए, पूरा आकलन करिए बैठ करके आप, और मुझे स्पेसिफिक जवाब दीजिए कि साहब हमारी 4 मशीनें जो हैं वो इस काम के लिए एलोकेटेड हैं
दो मशीन इस काम के लिए हैं, इसका इतना पर डे का है, इतने दिन में हम ये निकाल देंगे, इसका इतना पर डे का है, ये मशीन मेरे पास नहीं है, ये इतनी वैल्यू की है, जो मुझे चाहिए आप डायरेक्शन दें सरकार को कि मुझे मशीन दे तो मैं इसको निकाल दूँ, मुझे लंबा चौड़ा फिडेविट नहीं चाहिए। अगर वो आपने लिख के दे दिया है तो उसको मैं पढ़ूंगा और दिखा दीजिए, और अगर उसमें नहीं लिखा हो तो लिख के दीजिए आप। सर दीजिए, वी हैव योर माइकस विद अस। इनका कहाँ है, कौन सा कागज है इनका भाई? ये 1547 सर। आज आया कि नहीं आया? कंप्लाइंस रिपोर्ट। कंप्लाइंस रिपोर्ट आपने कब पेश करी है? आज टुडे सर। आज जी। ये एक कॉपी आई तो है हमारे पास भी है, साहब पास कॉपी दो भाई, साहब को दो। और ना कर पाओ वो बताओ, जो जो आपके आपके पहुंच के बाहर हो सकता है आपकी लिमिटेशंस हो कि साहब मैं आपसे आगे कुछ नहीं कर सकता, तो फिर मैं बुलाऊंगा अधिकारियों को, आप पब्लिक के लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। लेकिन आप हमें बार बार ये दिलासा देते रहो हम ये कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं, इन नेट रिजल्ट कुछ नहीं हो रहा। पिछले 6 महीने हमारे बर्बाद हो गए इस PIL में, जब आपने कहा था फ्रंट लाइन बिछाने के लिए हमने सब कर रहे हैं सब कर रहे हैं कर रहे हैं, और बाद में चला साहब वो तो पैसा वहाँ से मिलेगी सरकार से, 100 करोड़ का आपने बजट दे दिया सरकार भारत सरकार को, भारत सरकार बोलती साहब हमारे पास केवल उनके पास STP देने का है नमामि गंगे में। अब 506 अब जो 50 लाख का प्रोजेक्ट था आज से 6-7 साल 17 में हुआ था, 17 में आज वो 596 करोड़ का हो गया। सर इन दैट रिस्पेक्ट वी हैड फाइल्ड अ रिपोर्ट सर, मैं उसे बताना चाहूँगा वो ऐसा नहीं था सर कि दैट वाज 50 करोड़ प्रोजेक्ट सर, हमने रिप्लाई फाइल किया। वो ठीक है, मेरा मतलब कहने का है कि अगर ये काम टाइमली हो गया होता तो आज 596 करोड़ ना लगते ना। अनसर्टेनिटी क्यों है, सर्टेन होना चाहिए हर चीज़ के लिए। और आफ्टर ऑल आप लोग पब्लिक सर्वेंट्स हो, इस यहाँ पे आते इसीलिए पोस्ट हो करके कि कुछ समाज के लिए काम करो, लोकल बॉडी हो आप। आज आप 8 महीने से यहाँ पे हो, 8 महीने के पहले भी थे अफसर रहे होंगे, नहीं थे अफसर? कमिश्नर तो काफ़ी 56 से होगा ना कमिश्नर यहाँ पर, सारी बातें आज ही हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया शहर के लिए। अब वो PWD वाला वाटर सोर्सेज वाला ये सेज हमने पूरा क्लियर कर दिया, अब वो कौन हनुमान मंदिर से कहाँ तक का पैसा, वो कहाँ सिटी और स्मार्ट सिटी वाला कौन है यहाँ पे मैडम? हाँ क्या किया वो खड़ा किया उसको, वो जालियाँ जो लगाने वाली थी आप कचरा रोकने वाली, सर वो शासन से अनुमति नहीं मिली सर, शासन का एक रिक्वेस्ट पत्र आया है सर कि नगर निगम अपने मत से करेगा सर, वो परमिशन नहीं है। अब समझ लो तुम तो MD हो वहाँ के ना, स्मार्ट सिटी के क्या हो? नहीं नहीं मैं ED हूँ। हाँ ED हो, लो ED के पास डाल दिया, अब ED क्या बोलेगा? और MD कलेक्टर है सर, देखो कितना बढ़िया खेल चल रहा है।
स्मार्ट सिटी के ईडी को ऊपर डाल दिया गया कि कमिश्नर करेगा वो काम, और कमिश्नर बोलता है मेरे जेब में पैसे ही नहीं है। अब क्या कहें हम लोग बताओ, जिस काम के लिए मैडम ने पिछले 3-4 पेशियों में कहा कि साहब 2 करोड़ रुपए के लिए लिख दिया है वो मिलने वाला है, आवाज़ ये कह रही है सरकार ने कह दिया कि वो काम तुम्हारा नहीं है, तुम तो केवल बिल्डिंग पेंट वेंट करो, लाइट वाइट फसाद लाइट लगाओ, चमका के आ जाओ फेशियल करके, बाकी जो ये कचरा उछड़ा वाला काम है दिस इज़ नॉट फॉर स्मार्ट पीपल। व्हीकल का परमिशन दे दिया सर, व्हीकल की परमिशन दे दी सर, व्हीकल परचेस करने की काय के लिए नहीं, तुम दोनों सामंजस्य सही नहीं, डोर टू डोर कलेक्शन वाले नहीं, वो तो छोड़ो, मैं तो बात कर रहा हूँ अगर सामंजस्य होता तो आप लोग आपस में बैठ करके अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट करते ना, भाई तुम्हें ये करना है हमें ये करना है इस प्रोजेक्ट में और इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। अब जो प्रोजेक्ट आपने अपने हाथ में लिया, आप बोलती सरकार बोलती है कि दो वो प्रोजेक्ट आप करोगे वो कॉर्पोरेशन करेगा। यस मिस्टर रघुवंशी, यू एज अ सीनियर एडवोकेट, एज एडिशनल एडवोकेट जनरल, एज अ सिटीजन ऑफ दिस सिटी, श्री के एन गुप्ता इज ऑलरेडी देयर एज अमाइकस क्यूरी सीनियर सिटीजन एंड रिस्पेक्टेबल काउंसिल एडवोकेट ऑफ द ऑफ दिस सिटी, प्लीज डू समथिंग फॉर दिस, इन पे मत छोड़ो, ये 2 महीने बाद फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर आ जाएगी आचार संहिता। उस पर क्या एक्शन क्या होता है? नहीं नहीं, आपके और ये हम अगर डायरेक्शन आपको देते हैं तो वो ऑर्डर किस लेवल तक जाता है? क्या हुआ उसमें? अब कुछ वहाँ बताएंगे ना, बताओ भाई कहाँ है? हाँ जो ले आओ डेलीवरेशन ले आओ, दिखाओ हमको फाइल में क्या किया तुम लोगों ने उस पर, वो तो दोनों ऑफिसर्स को मैं बुलाया ही हूँ, सब रिकॉर्ड लेके आऊँ वो। आप क्या बताना चाह रहे हैं अपने हलफनामे में? सर जो लास्ट टाइम सेक्शन दिया था उसके बारे में फाइनल पॉइंट है सर, एक तो सर जो डिस्कस हो गया सर लेगेसी वेस्ट का, उसके अलावा आपने डिस्कस वो दिया था इंस्ट्रक्शन सर कि कितने व्हीकल हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास और कितनी कमी है उसके बारे में ब्यौरा दीजिए सर, वो हम लोग ने पूरा एफिडेविट में सर एक मिनट ऑर्डर शीट निकालना जी, ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर नहीं, इसमें आपके 3 डायरेक्शंस थे, पहला तो था जो हमने डिस्कस किया रघुवंशी जी के साथ में, सेकंड पार्ट में आई है रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एट केदारपुर इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2 such plants, कीपिंग इन माइंड द ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड गार्बेज ऑफ ओवर 6 years एंड एवरी डे कलेक्शन ऑफ 450 tons गार्बेज फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपल कॉलोनी ग्वालियर, ये मीट्रिक टन होना चाहिए था, 450 मीट्रिक टन, इसके लिए आपने क्या लिखा सर पूरा रिप्लाई? और दूसरा है रिवाइज प्रपोजल टू नमामि गंगे फॉर फंड्स टू इंस्टॉल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तीसरा है नंबर ऑफ गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स अवेलेबल एज अगेंस्ट रिक्वायर्ड व्हीकल्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ फॉर कलेक्शन ऑफ गार्बेज फ्रॉम हाउस होल्ड ऑन डे टू डे बेसिस, अब इसके परिप्रेक्ष्य में आप बताइए सर। जो पहला पॉइंट है सर कि एडिशनल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सर केदारपुर में, उसमें सर किस पैरा में क्या लिखा है आप बताइए बताइए आप। हाँ सर, आई हैव सबमिटेड एफिडेविट सर, सर इन रिगार्ड्स टू सर गार्बेज कलेक्टेड ओवर 6 years सर, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एट केदारपुर इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2 such plants, कीपिंग इन माइंड द ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड गार्बेज ऑफ ओवर 6 years, अब आप 9 years बोल रहे हो ना, एंड एवरी डे कलेक्शन ऑफ 450 tons लिखा, विच शुड बी मीट्रिक टन सर। हाँ, इसको देखते हुए आपने क्या लिखा बताइए सर? सबमिट पैरा में है सर, फर्स्ट पैरा है सर ये जो। हाँ पढ़िए सर, दैट द ऑनरेबल कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 6/24 हैज डायरेक्टेड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इन्फॉर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एंड केदारपुर इन एडिशन टू ऑलरेडी एक्जिस्टिंग 2 such plants, कीपिंग इन माइंड द ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड गार्बेज ओवर 6 years एंड एवरी डे कलेक्शन ऑफ 450 टन गार्बेज फ्रॉम लोकल लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्वालियर। सर, इट इज रिस्पेक्टिवली सबमिटेड दैट एज सबमिटेड इन द अर्लियर कंप्लायंस रिपोर्ट, कॉर्पोरेशन हैज ऑलरेडी इशूड अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल लेगेसी वेस्ट एंड द सेट ऑपरेशंस यूनिट्स आर ऑलरेडी इन ऑपरेशन, द कॉन्ट्रैक्टर हैज जस्टली अश्योर्ड द कॉर्पोरेशन दैट द सेट फैसिलिटी 4 इन नंबर capacity 1000 each total 4000 ton are in process and accordingly 4000 ton of solid waste is processed every day by the said unit. In addition to this sir, the corporation already installed processing unit for dry waste plant of 250 ton per day which is city's everyday waste being processed by municipal corporation at the site. Sir, it is respectfully submitted that as per required existing capacity of 400 ton per day, 250 ton is being processed by municipal corporation with already existing installation machine. For rest the waste, the processing unit is required for which
The proposal have already been sent to cities too. The said project is submitted by the smart. Sir, इसमें cities too एक project है सर, जिसमें पूरी cities का चयन होना है 100 में से 18 cities का सर. तो हम लोग ग्वालियर उसमें पहले 36 city में आ गए हैं सर. उसके बाद हमारा presentation था मेरा और CEO smart. ये जो काम है सर, ये काम किसी special drive के अंतर्गत नहीं होना है सर. ये काम है routine nature का. routine का. इसके लिए आपको government के द्वारा selection की आवश्यकता नहीं है सर. This you have to ask for government as a matter of course. Sir. Not that because you are not shortlisted to 36 or 18. Sir. We are not concerned with that. Sir. We are concerned with the availability of fund Sir. And installation of machines. Sir. हमने लिख दिया है उसमें हम 18 में आ गए हैं, क्लीन सिटी के रास्ते में चल रहे हैं, ये बेकार की बात है. Sir. You let us know Sir. When you will get the money. Sir. Sir, and what is your effort so far made Sir. In procurement of the funds? Sir. सर जो ये एडिशनल नहीं इसको सुनेंगे अभी, आपको लंच के बाद बुलाते हैं फिर से बनाएंगे भैया. अभी तो अभी सेकंड पेज पे आप आए हो सर. जो जो सर एडिशनल रिक्वायरमेंट थी, हमने सिटीज टू पॉइंट पूरा प्रोजेक्ट बना के इसमें सबमिट किया सर. वहाँ प्रेजेंटेशन भी हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हम लोग गए थे प्रेजेंट करके आ गए सर. इसका रिजल्ट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा सर. उनने हमसे एफिडेविट लिया है कि अगर आप ये हमसे पैसा लेंगे 135 करोड़ मिलेगा सर सिटी को. अगर ये पैसा लेंगे तो और कहीं से आप प्रोजेक्ट नहीं. एफिडेविट मैंने वहाँ भी दायर किया है सर. और ये आने के बाद पूरा ना सिर्फ प्लांट बल्कि सर व्हीकल व्हीकल सब एवरीथिंग इज अलॉटेड अंडर दिस सर. तो ये सिटीज टू का प्रेजेंटेशन हो गया सर. तो हमने वहाँ सबमिट कर दिया है ये रिक्वायरमेंट देखते हुए सर. सर नेक्स्ट सर वो सर अभी एक हफ्ते में पता चल जाएगा सर. आप वही साहब हमने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया है सर. अब अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो पैसा मिल जाएगा सर. अदर मेरे पास भी सर अदर मतलब जो प्लान है वो भी है सर. एवरीथिंग प्लान है. प्लान भी की बात ना करो सर. मुझे पॉजिटिव चीज़ बताओ सर. अभी तो तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ है सर. ये तो वही वाली बात हुई साहब. अगर मैं PMP में आ गया सर, तो सर मैं MBBS करूँगा सर. उसके बाद मैं MD भी करूँगा सर. फिर मैं MCH भी करूँगा. और सर मैं एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल यहाँ खड़ा करूँगा सर. अभी तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम तो अभी केवल दरवाजे पे खड़े हो वहाँ सर. और 36 में आओगे कि तुम 18 में आओगे, इसके पे तुम डिपेंड कर रहे हो यहाँ के रूटीन चीज़ों पर सर. सो सर ये इसका मतलब आपकी अप्रोच जो है इस वक्त सर, ये अप्रोच ये है कि जब हमको कोई हमको अपना ब्लू आइट बॉय बना लेगा या हमको 18 शहर में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी सर, तब ये पैसा आएगा, तब हम कचरा उठवाएंगे सर. ये तो बात नहीं चल रही सर. इसमें अप्रोच बस ये है कि हमें एक एफिडेविट देना, जब तक आप ये प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं तो आप कहीं पैसा खर्च नहीं कर सकते. तो ये अगर नहीं होगा तो हमारे पास अपने म्यूनसिपल फंड आइए आप 2:30 बजे 2:15 बजे आइए. इसमें क्या कहना है आपका जो अभी आपने पढ़ के दिखाया हमको सर? यू हैव गिवन योर प्रेजेंटेशन टू सम बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिलीज ऑफ फंड्स. सर इसमें दो चीज़ है सर. एक तो एडिशनल जो लेगेसी वेस्ट पड़ा पुराना वेस्ट, उसके लिए हम लोग ने कोर्ट के डायरेक्शन पे अपने गवर्नमेंट अर्बन डायरेक्टर को लिखा था. उन लोगों ने हमें लेटर भेजा है कि आप अप्लाई कर दीजिए पोर्टल पे. तो वो उनके जैसे जो प्रक्रिया हमने कहा आपने लिखा के पहले बता दो उनको, फिर उसमें आएंगे हम. इसमें लिखा क्या क्या है सर? सर इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड पेज नंबर 1 पे है दैट एज पर एक्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ 400 टन पर डे, ये जो रोज वाला है सर 250 इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन यूनिट. और जो रोज का ये बता दो कि जो रोज आना 450 मीट्रिक टन का मीट्रिक टन है सर, इट इज टन सर, टन ओनली ना. इसके लिए ये दो प्लांट सफिशियंट हैं जो चल रहे हैं अभी? नहीं नहीं सर, इसके लिए मांगा हम लोग ने रोज का सर. लेगेसी वेस्ट का अलग है और ये रोज का है सर. जो सवाल पूछो जवाब दो सर. रोज जितना आपका एक्युमुलेशन हो रहा है सर, उसके लिए दो प्लांट सफिशिएंट है क्या? नहीं है सर. नहीं है सर. ये प्लांट है जो सेग्रीगेट करता है और रिसाइकिल करता है. हाँ, सेग्रीगेट करके सर रिसाइकिल करता है, सब अलग कर देता है. हाँ, तो इनकी कितनी कैपेसिटी है दो प्लांटों की? सर ये 250 टन प्रोसेस हो रहा है सर अभी से. तो 150 टन रह जाता है सर? रह जाता है. दोनों मशीन का कैपेसिटी 250 टन है सर. सिर्फ सर तो आपने एक प्लांट चाहिए सर. और सर उसके लिए क्या किया आपने? उसके लिए सर जो सिटीज 2 पॉइंट में हमें अप्लाई करना था वो अप्लाई कर दिया. 300 हमने ये वही गड़बड़ है. ये जो आप सिटी 2.0 है सर, ये गवर्नमेंट की कोई प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें वो आपको कुछ सिटीज को चूज करेंगे सर, उनको देंगे सर. अगर आप वहाँ चूज नहीं हुए सर, फिर क्या होगा सर? उसके लिए इसीलिए क्योंकि सिटीज 2 पॉइंट में एक एफिडेविट देना था कि आप कहीं और से अभी नहीं मांगेंगे जब तक ये चल रहा है, इसका रिजल्ट आएगा. उसके बाद हम लोग अगर नहीं मान लीजिए अगर नहीं होता है सर, तो भाई ये तो डिपेंड करता है ना कि आप सिलेक्शन हो पहले सर. और सिलेक्शन नहीं हुआ तो सर विद इन 7 to 10 डेज ये आ जाएगा सर. और नहीं होता है तो फिर उसके बाद हम लोग मांग सकते हैं सर कहीं से. अभी एफिडेविट लिया कि आप कहीं नहीं मांगे क्योंकि सिटीज 2.2 में अप्लाई किया सर. क्या क्या मांगा आपने सर? इसमें वो पूरा नेक्स्ट लगा है सर, उसमें पूरा प्रोजेक्ट मांगा है सर. ये सिटीज 2.2 नेक्स्ट जो है सर, उन्होंने को तुम्हारी लंबी डिमांड है तो वो ड्रॉप कर दे वो सर. मे बी बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिमांड. नहीं नहीं सर, दे मे ड्रॉप यू. नहीं सर, बड़ा एक्सपेंसिव है भाई सर. पेज नंबर 13 से सर चालू होगा सर. पेज नंबर 13 इसमें जो है सर, 14 पे सर रिक्वायर्ड रिसोर्स फॉर सैचुरेशन. ये मांगा कि शहर को अगले 10 सालों के सैचुरेट करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए. तो मुझे ये बताओ इस जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं पैरा 1 में सर, इसके बारे में कहा ये लिखा है सर? पेज नंबर 14 पे ड्राई प्लांट्स एंड मशीनरी में ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट 300 TPD का. हमने भविष्य का भी मांग करके 300 TPD का प्लांट टन पर डे का प्लांट मांगा है. व्हाट इज द सैनिटरी लैंडफिल सर? ये एक सर सैनिटरी लैंडफिल की साइट, अगर और प्रोसेस होगा सर तो एक छोटी साइट हमारी इसको डेवलप करने का एक साइट है सर. मतलब एक जगह 300 TPD मतलब क्या हुआ? 300 टन पर डे सर.
आपको भी 150 की पर सर भविष्य 10 साल के लिए है सर, इसीलिए मांगा है। और प्लास्टिक वेस्ट प्लांट, वो सर एक अलग से प्लास्टिक वेस्ट प्लांट आता है आजकल प्रोसेसिंग चालू। जब इसमें सेग्रीगेशन कर दोगे आप प्लास्टिक को और ड्राई को अलग करोगे और वेट को अलग करोगे, उसका प्लास्टिक का क्या करोगे? सर प्लास्टिक का अभी जो करेंगे वो तो हमारा वेंडर है ले जाता है सर, एक आदमी है वो वेंडर, हम लोग उसको टेंडर निकालते हैं, वो प्लास्टिक ले आता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा देता है। पर अगर गवर्नमेंट का अभी ये स्टैंड है कि आप लोग प्लास्टिक को वैल्यू में कन्वर्ट करो, तो प्लास्टिक के अलग अलग चीजें बना के जब वैल्यू करते हो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो हमें मतलब नहीं, हमें मतलब कि प्लास्टिक निकल रही है, निकल रही है सर, हमारा आदमी टेंडर है वो ले जाता है। तो अभी आप कोई अभी 10 दिन आप टाइम गेन करना चाहते हो सर, कि 10 दिन के बाद आप बताओगे हमको सरकार से मांगे कि ना मांगे, ये कहना चाह रहे हो ना? और तो कुछ नहीं है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप इसको लिम्बो में रखना चाहते हो जब तक कि वहाँ से कोई आउटकम ना जाए। अब मान लो उन्होंने वहाँ पे आपको उसमें से कह दिया कि इतनी डिमांड कम करो सर, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें लेकर के? नहीं सर, नहीं करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट हमने 135 करोड़ का जो उनकी गाइडलाइन उसी के हिसाब से। हाँ सर, उसमें कुछ भी कम नहीं है सर, वो पूरा मिलेगा पैसा, नहीं अगले नहीं मिलेगा सर। ठीक है, और नंबर टू के लिए क्या किया सर? नंबर टू नमामि गंगे का है सर। नमामि गंगे का सर, जैसे इन्हें 3 वीक का जो टाइम मांगा है सर, तो हमने उसमें अपना कंपोनेंट डिजाइन के लिए रखा है। वो किसने 3 वीक का टाइम मांगा है सर? जो गवर्नमेंट ने और सबने 3 वीक का टाइम मांगा, स्वर्ण रेखा का वाला है सर ये इशू। नहीं नहीं, आप तो एसटीपी की बात कर रहे हैं। हाँ, सर स्वर्ण रेखा में ही सर एसटीपी पता है मेरे को सर, लेकिन आपने एसटीपी सेपरेटली मांगा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? नहीं सर, सर उसी में सर हमने पहले जो प्रोजेक्ट मांगा था सर, अब जो पूरा डिजाइन हो रहा है सर उसमें रिक्वायरमेंट वही असेस करेंगे कि आप घुमाते बहुत हो भाई सर। ये आपने पिछली बार हमसे क्या कहा कि साहब मैं रिवाइज प्रपोजल दे रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ नमामि गंगे को सर, वो दिया कि नहीं दिया आपने? सर नहीं दिया, क्योंकि ये जो सर जो पूरा प्रोजेक्ट फाइनल हो रहा है 500 बेड, ये फाइनल हो जाएगा तो हमें रिक्वायरमेंट पूरा एग्जैक्टली आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि तुम आपको करना नहीं चाहते जब तक कि सरकार आपको ये हमें बातें जमी आपकी सर। आपने उस दिन कहा था, इसलिए लिखा था ऑर्डर में रिवाइज प्रपोजल ऑफ नमामि गंगे फॉर फंड्स इंस्टॉल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सर, और उन्होंने कहा भी था कि अभी देंगे तो हम पैसा देंगे सर। पर वो डिटेल जो मांग रहे हैं अभी हमारा वही क्वांटिटी तभी निकलेगी सर जब ये फाइनल सर्वे फाइनल हो जाएगा डीपीआर, तभी क्वांटिटी निकलेगी। हमने अभी वो मांगते हैं कितना फ्लो आउट हो। अभी तुमने उसके तुमने उसका एफिडेविट देखा इलेक्शन कमिश्नर का सर? हैव यू सीन द एफिडेविट? कैजुअलनेस देखी रही उसमें सर? तुम्हारा एडिशनल कमिश्नर एफिडेविट दे रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ में सर, अभी 3 हफ्ते और लगेंगे सर। कुछ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन है कि नहीं लोगों से सर? जब वहां से वो आएगा तो हम यहां से ये करेंगे सर, ये कौन सी बात हुई भाई? या तो आप प्रोजेक्ट लो हाथ में सर, आप गवर्नमेंट से बात करो सर। हमने पूरा बात किया सर गवर्नमेंट से, किया आपने बात? आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, अगर बात की हो तो ऐसा कैजुअल एफिडेविट आता सर? क्या बात करी आपने वहाँ से? कितनी मीटिंग्स में गए आप वहाँ पर? जो आप यहाँ से एक्सपर्ट का रिपोर्ट गया है उसमें क्या डिलीबरेशन हुए वहाँ पर सर? जो हम लोगों ने पहले कहानी सुना रहा हमको प्लीज, आई वॉन्ट एक्सपर्ट्स कमेंट्स, एक्सपर्ट्स रिपोर्ट। जब यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ की रिपोर्ट गई है भोपाल में, तो भोपाल में उस पर कौन बैठा है इसके ऊपर? सर वहाँ से ENC है और सब लोगों ने टीम भेजी सर, उसमें यहाँ भी वेरीफाई कर लिया उन्हें सर 90%। अच्छा काम करो तुम, अब तुम एफिडेविट तुम दो सर, अब तुम्हारा तो जो देगा अब तुम दो एफिडेविट और हमें तुम ट्रैक बताओ कि ये कब तक प्रोजेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नाउ यू बिकम ए OIC एंड यू कोऑर्डिनेट विद द गवर्नमेंट डायरेक्टली एज वी आर आस्किंग यू, एंड लेट अस नो विद इन हाउ मेनी डेज यू विल गेट द प्रोजेक्ट सैंक्शन सर। अगर सब कुछ अपने ऊपर लेना चाहते हो देन यू टेक द कॉल, देन यू टॉक टू द गवर्नमेंट, टॉक टू योर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, टॉक टू योर चीफ सेक्रेटरी एंड कम बैक, सर हमें इतने दिन में पैसा मिल जाएगा सर। ठीक है, हम लिखा देते हैं दैट मिस्टर हर्ष सिंह वॉलंटियर्स टू अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट फॉर कोऑर्डिनेशन विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी इन द मैटर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड फाइनलाइजेशन देयर ऑफ विद द सैंक्शन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट्स एंड विल रिपोर्ट बैक टू दिस कोर्ट with the result conclusion within 15 days sir. ठीक है, लिखा दूं तो YC सर? YC तो गवर्नमेंट क्यों सर? अभी तो आप बोल रहे हो ना सर, अभी तो आप बोल रहे थे ना sir. अब क्या हो गया? करो कोऑर्डिनेशन, कमिश्नर हो सर, गवर्नमेंट से बात करो और कोई इलीगल बात तो नहीं करोगे ना सर? बात तो पब्लिक की है, जो कॉर्पोरेशन ने करना उसकी बात है सर, आपसे बड़ा तो कोई अधिकारी है नहीं यहाँ पर सर, तो आपने बात करनी है गवर्नमेंट से, करो बात गवर्नमेंट से। यू टॉक टू गवर्नमेंट, आपने कहा ना चीफ इंजीनियर आया था, ये आया था, वो आया था, करो बात सर, डिस्कस करो, बताओ कोर्ट के साथ हमारी चर्चा हुई, चीफ सेक्रेटरी ने हमें टाइम दिया था, हम लोग वी आर इन हाउस कमेटी मीटिंग और ये बातचीत हुई है और ये तय हुआ, बताओ मेरे को। After all, you are answering to the court. Sir. Neither chief secretary is here, nor principal secretary is here. No government representative is here. Sir. Your own officer has become OIC of the government.
and he is a duffer, he doesn't know anything. Whatever telephonic information he has received, he has written 4 lines. On telephone, we have been informed that 3 weeks, further weeks is granted, time is required. He doesn't know anything. Sir. Look at the situation. From government side, no officer is available. Additional AG is relying upon the affidavit shown by your own officer, additional secretary, what is it? Additional mayor? Additional commissioner. One is deputy commissioner. Both on their face appear to be good for nothing. Because they hardly know anything. One says out of my personal knowledge, one says on telephonic instructions. Aapki koi baat cheet hui nahi hai. Aap agar hum log kare to kare kya? इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं गवर्नमेंट से बात करूँगा और कोर्ट को इन्फॉर्म करूँगा तब तो मैं आपकी बात लिखूँ, नहीं तो मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब से चर्चा करूँ। मिस्टर देखिए, वी हैव स्पेंड मोर देन 2 आवर्स and we have not reached to any conclusion. अभी कुछ एडवर्स लिख देंगे तो दिक्कत पड़ेगी सबको, वो हम करना नहीं चाहते। हमें पब्लिक गुड के लिए काम करना है और 4-5 पीसीओं से यही हो रहा है। डिस्पाइट लॉन्ग ऑर्डर शीट्स वी फाइंड नो ईल्ड आउट ऑफ दोज ऑर्डर्स। और जो उसको 2 करोड़ मिलना था उसको तुम्हारे स्मार्ट सिटी वाले को वही बना हो गया। ईमानदार से बताइए हर्ष सिंह जी, जब से मसला यहाँ पे 4-5 पेशियों से आप आगे असिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया? 4-5 पेशियाँ हो गई, ज़्यादा ही हो गई, कुछ कितना पैसा मिला आपको? ईमानदारी से बताओ सर। 8.5 करोड़ का परमिशन हम लोग को मिल गया व्हीकल के लिए, जो आपने तीसरा पॉइंट बोला, बस इतने केवल व्हीकल के लिए पैसा मिला है सर? 8.5 करोड़ जो हम लोग का पैसा, तो उसका परमिशन मिल गया सर। पैसा मिला? हाँ, पैसा हमारे पास है सर, परमिशन मिल गया उसका। तो व्हीकल खरीदा सर? टेंडर लग गए सर, पूरा वही नेक्स्ट पॉइंट है सर, वो पूरा व्हीकल। अभी फिलहाल जहाँ तक 2 मेजर पॉइंट्स जो फर्स्ट 2 हैं उस पर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं, दैट्स वेरी क्लियर सर। ना उस फर्स्ट 2 पॉइंट में कुछ हुआ है और ना जो हमने रघुवंशी जी को पढ़ाया उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में जो है, जिसके लिए वो हमें लिखा दिया, उसका पोर्शन लिखाया था मैंने, दैट ही विल कम विद रिकॉर्ड। अब ये नंबर 2 के लिए आप मुझे बताओ मुझे क्या लिखना है? इतना लिख के छोड़ दूँ कि आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी उसके बाद ही आप कोई कोर्स ऑफ एक्शन टेकअप करोगे। That he has given a comprehensive project to the concerned officers of under this so this smart city CTIS 2.0, and he requests the court to defer the hearing for 10 days, as within 10 days the projects, if are accepted, the required fund of 135 crore shall be released. On this point, my lord may defer the hearing for 10 days, and for rest of the case, he will continue to work. On the rest, he will work. He will not work for number 1 and 2. The first direction was with respect to expert recommendation. No, that was with reference to the government of Madhya Pradesh. Yes. So what is happening is all the things are considered, sir. Unless that expert recommendations come, they have sent a proposal. The government in turn has directed for invited the expert recommendation. The thing is on record. आप बोलते रहिए, कुछ नहीं है रिकॉर्ड पे। आपने ना हमने ऑर्डर शीट लिखी क्यों थी? आपने अंडरटेक किया था, मोदी अंडरटेक्स, एंड यू हैव नथिंग टू स्टेट। So for other things, my lord will keep the matter on Monday, and between Monday, my lord, we'll explain what has been done in respect of expert recommendation and why 3 weeks or 2 weeks more is required and what has been done till date. क्या समझ रखा है हम लोगों को? क्या हम लोग यहाँ पे कोई मॉक ट्रायल चला रहे हैं, मूट कोर्ट चला रहे हैं कि केवल समय वेस्ट? हमारे पास 5.5 घंटे दिन भर के होते हैं, हमें 1.5 घंटा आपको दे दिया। किस लिए दिया हमने आपको भाई? केवल इसलिए कि कुछ हम बोले कुछ आप बोले, समय खत्म हो जाए? अनफॉर्चुनेट है। मैं तो ये भी कहता हूँ, आप बोल दो साहब मेरे पास पैसा नहीं, मैं नहीं दे सकता,
हम क्लोज कर देंगे किसी को, गवर्नमेंट हैज नो मनी देयरफॉर नथिंग कैन बी डन. नथिंग इज मिस्टर काउंसिल वी रिस्पेक्ट यू बट नॉट यूज दिस स्टेटमेंट. नथिंग हैज बीन डन. आई एम टेलिंग यू दैट रिपोर्ट विच माइट हैव गॉन फ्रॉम हियर मस्ट बी गैदरिंग डस्ट 100%. किसको फुर्सत है वहां पे? अगर कुछ, अगर उसमें कुछ बोनाफाइड्स होते तो एक ऑफिसर आता और वो सीरियसली बताता कि साहब इसमें ये हमने काम किया. एक इतनी कर्सी भी नहीं है कोई एक ऑफिसर वहां का आ जाए. यही कि डिप्टी एडिशनल क्या मेयर है, क्या है ये कमिश्नर, इसको खड़ा कर दिया यहां पर जिसको कुछ नहीं पता, उसकी भी नौकरी खतरे में है. टेलीफोन में बात ना सुने तो कल सस्पेंड हो जाएगा वो. बट ऐसे नहीं चलता, ना तो ऐसे प्रशासन चले ना ऐसे शासन चले. नॉट मिसकम्युनिकेशन, देयर इज एब्सोल्यूट इनएक्शन. नॉट मिसकम्युनिकेशन, माय ब्रदर राइटली पॉइंटेड आउट दैट वी आर अफ्रेड आवर ऑर्डर शीट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कंसर्निंग सेक्रेटरीज. So do you want to write a detailed order or you want to just defer the hearing? No, we defer the hearing till Monday, and when between Monday we will ask the principal secretary to appoint a responsible officer from his office so that everything should be communicated due and in due time to the principal secretary. And as regards compliance of all these three aspects plus the one we are supposed to answer. Yes. It's a very, very important. I'm telling you, we need to be satisfied on this. Mm-hmm. And this deputy affidavit or commissioner, we are not impressed. Because after 10 days, what is going to happen, we do not. Whether he will get 135 crores or not, that by itself is a very big question. Because he is still in the queue of about hundreds of cities. Whether he would jump to the line and become among the first 18, that's a wishful thinking. Out of 100, they have selected 36. We have come in 36 Dark Municipal Corporation. Let us see, out of 36. Have to be selected. For that, all presentation has been done. How much time you will get that fund? 135. And so far as second expert recommendation, so far as it is delaying, it is unnecessarily as a consequence thereof, delaying all the. That is one. And second, sir, which you are saying that you will be making that an addition machine to make up the remaining of 450 metric tons per day, nah? Sir. What about the which is already there, those two machines separate? They are two separate machines for eradicating the legacy of waste, nah? Sir. So those two machines are sufficient, nah? Two are four. The four, sir. There are four. Four. And one you have for the current. Separation. No, sir. For current, how many you have? Sir, for everyday garbage deposits. Sir, for everyday garbage deposit, we have one whole set of machine. We call it one machine. It's two trommel it has. So it can process up to 250 tons, sir. For every day. That one unit is only for 250. Haan, sir. And four units are there for the past legacy. 6 lakh, haan, past, sir. Past garbage, sir, nah? Sir, sir. So those four you say is sufficient. No, sir. We have written, sir, ki that additional 3 point, because additional within 150 days, about 3 lakh more which has been found. The waste. For which we will require one set of another, that is legacy waste plant. Then who will provide that? That we have, the corporation has applied for the central government because they asked for funds from the state government. The state government in turn has asked them to apply with the central government. Because under that head, the central government has to provide. So now, for that you ask for 10 days, na? So, as my lord has suggested, my lord, pre-lunch time, that in case they are unable to treat this waste under the existing machinery and you want some additional machinery, my lord can direct the state government or the central government. No, your test for this, why should we issue an order which you do not care to observe or adhere to? No, the central government is directing, my lord. No, we will not get into this. 3.5 or 3. We will not get into this. Why should we rope in the central government? It's an obligation of the state government and the local body. Central government is only coming out with some schemes. And why you want our directions? If you are confident that you would be able to succeed there, convincing them for release of funds, you make your own efforts. Why you want our crutches?
वो दैट इज डिफरेंट थिंग सर. एनीवे यू कम बैक, आई एम पुटिंग इट ऑन मंडे सर, एंड लेट अस नो. और यू वांट मिस्टर हर्ष प्लीज टेक इट ऑन सीरियस नोट एंड कम बैक विद सम कॉन्क्रीट प्रपोजल. एंड मिस्टर आई हैव ऑलरेडी टेल आपने दूसरा फिल्म किसका था? ये किसके बिहाफ में दिया इसने? वो तो ये हर सिंह है ना, सर उनको देखेंगे हम. लिस्ट दिस केस फॉर फर्दर ऑर्डर्स. दो prolonged hearing has taken place. Usab, this court ne do nikal dena. Prolonged hearing has taken place. Usab, though this court intended to pass a detailed order, nevertheless, however, at the request of Shri Raghuvanshi, the hearing is deferred. Call out on Tuesday date also for further orders.